यहाँ मंचा सिंह सचिव और आयुक्त श्री विनय शंकर पांडे जी, नरेंद्र जोशी जी अपर सचिव, श्री बंशीधर तिवारी जी, हमारे गर्व्याल जी समेत सभी अधिकारीगण, सभी उपस्थित परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी आए हुए अतिथिगण और बड़ी संख्या में आज क्योंकि मन के बात का कार्यक्रम था, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और बड़ी संख्या में पधारे सभी हमारे सभी गणमान्य भाइयों और बहनों, हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर, आज चूंकि रविवार का भी दिन है और छुट्टी का भी दिन है, जैसा चमोली जी ने बताया और हमारे उद्घोषक जी भी बता रहे थे कि 9:30 बजे से आप सब लोग यहाँ पर आ गए हैं और बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और मुझे खुशी है कि आज हम उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 130 नई बसों को शामिल कर राज्य के विकास में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ रहे हैं, लोगों से जुड़ने की एक कड़ी और जुड़ गई है। भाइयों बहनों, ये BS6 मॉडल की जो अत्याधुनिक तकनीकी से युक्त नई बसें हमारे राज्य के परिवहन तंत्र को, लोगों के आवागमन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ये बसें न केवल हमारे यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी, बल्कि प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन की जो गतिविधियां हैं उसको भी एक नया आधार और ऊर्जा प्रदान करेंगी और पूरे देश से आने वाले लोगों के लिए भी, हमारे राज्य में उनका आवागमन भी आसान करेगी, उनको सुविधा भी प्रदान करेगी। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे राज्य की जो भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं वो अन्य राज्यों के मुकाबले अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण है। हमारे राज्य में जहां एक ओर ऊंचे पहाड़ और गहरी वादियां हैं तो वहीं दूसरी ओर दुर्गम और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र भी हैं जो बुनियादी सुविधाओं के लिए हमारे परिवहन निगम के नेटवर्क पर ही निर्भर हैं। जिस प्रकार से परिवहन निगम उनको जोड़ने का काम करेगा, उनको आवागमन के लिए सुविधा प्रदान करेगा, निश्चित रूप से उनके जीवन को भी गतिमान बनाने का काम पूरी तरह से परिवहन निगम पर निर्भर होता है। इसके अलावा हम पर्यटन की दृष्टि से भी देखें तो हमारे राज्य में कई महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था, व्यापार, लोगों की आर्थिकी, ये सब उसकी रीढ़ है। ऐसे में एक प्रभावी परिवहन तंत्र न केवल हमारे यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत जरूरी है बल्कि आर्थिक विकास में भी अपना योगदान देता है। इन सबको देखते हुए हमारी सरकार का यह संकल्प है कि राज्य के हर कोने को बेहतर सड़क नेटवर्क और विश्वसनीय परिवहन सेवाओं से जोड़ा जाए और समाज के अंतिम छोर तक हमारी ये सेवाएं पहुंचे। समाज के अंतिम छोर में रहने वाला आम आदमी, सामान्य आदमी भी इन सेवाओं से अपने जीवन को आगे बढ़ाने में उसको सहायता प्रदान हो। ये हमारे अत्याधुनिक बसें हैं, हमारे इसी संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी। मुझे बताया गया है कि ये बसें विशेष रूप से हमारे राज्य की भौगोलिक और जलवायु की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं, उनको बनाया गया है। साथ ही बेहतर पर्यावरण के प्रति भी हमारी प्रतिबद्धता को ये दर्शाती हैं, बल्कि ये न्यूनतम प्रदूषण उत्सर्जन भी करती है।
क्योंकि हमारा ही राज्य पहला राज्य है पूरे देश के अंदर, शायद दुनिया के अंदर भी होगा, कि जहां हमने ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट जीईपी सबसे पहले यहां लागू किया है, कि हम कितना विकास कर रहे हैं और उस विकास के लिए हम क्या कीमत अदा कर रहे हैं। आप देखते होंगे हमको फर्क साफ मालूम पड़ता है, जब हम देहरादून छोड़कर अगर हम राष्ट्रीय राजधानी में पहुंच जाते हैं या एनसीआर रीजन में पहुंचते हैं तो आप सब लोग महसूस करते होंगे कि हमको कितना स्वच्छ वातावरण, कितना अच्छा पर्यावरण, कितनी अच्छी हवा यहाँ मिलती है। और वहाँ के लोगों के लिए कई बार जब EQI 600-700 पहुँच जाता है तो घरों से बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमको प्रकृति के द्वारा भगवान की कृपा से एक अच्छा पर्यावरण, अच्छी हवा, अच्छा परिवेश हम सबको मिला हुआ है। तो हमारा भी ये संकल्प होना चाहिए कि प्रकृति में हम भी अपना योगदान दें। इसलिए भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड परिवहन निगम को मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यही कारण है कि जहां कुछ वर्ष पूर्व हमारा परिवहन निगम जो 500 करोड़ से भी अधिक घाटे में था, वहीं पिछले वर्षों में, चूंकि इस वर्ष का भी आंकड़ा मैंने अभी बैठक ली थी तो उसमें आया नहीं है, इनका आंकड़ा आ जाएगा, लेकिन पिछले 3 वर्षों से लगातार मुनाफे में है। और ये हम सब लोगों के लिए बहुत प्रोत्साहन करने वाली बात है, क्योंकि मैं 2021 में जब मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया था तो उस समय मुझे याद है कि परिवहन निगम की तनख्वाह देने के लिए, वेतन देने के लिए हमको कैबिनेट में अलग से व्यवस्था करके धनराशि का प्रावधान करना पड़ता था। तो आज परिवहन निगम निश्चित रूप से पिछले वर्षों में जो काम किया है वो अन्य विभागों के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का काम करेगा, और जो पिछले वर्षों के अनुभव हैं उन अनुभवों से लाभ लेकर आगे के समय के लिए भी परिवहन निगम, ये जो हमारा मुनाफा प्रारंभ हुआ है, जो घाटे से हम उबर रहे हैं, उस गति को कम भी नहीं करेगा, रोकेगा भी नहीं, और विकास की जो रफ्तार है उस रफ्तार को बढ़ाने में जहां हमारे परिवहन निगम के सभी अधिकारीगण काम करेंगे, हमारे कर्मचारी काम करेंगे, उन सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि राज्य के जितने भी हमारे संस्थान हैं, मेरा मानना है कि उस संस्थान निश्चित रूप से राज्य की प्रगति में उनका योगदान कहीं ना कहीं सुनिश्चित होना चाहिए। उन सभी को लगना चाहिए कि हम राज्य की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से उनके मुख से शब्द निकले थे उस समय, वो शब्द थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उसको बनाने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा, और हम उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। बहुत सारे सेक्टरों में आज हम देश के चुनिंदा प्रमुख राज्यों में हमारा नाम आ रहा है। मैं अगर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात करूं, जो नीति आयोग भारत सरकार के प्रतिवर्ष आंकड़े आते हैं, इंडिकेटर जारी होता है, उस इंडिकेटर में हमारा उत्तराखंड पूरे देश के सभी राज्यों में पहले नंबर पर आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में। यह हम सब लोगों के लिए जहां बड़ा प्रोत्साहन है, वहीं हम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि जो स्थान हमारा पहले नंबर पर आ गया है उसको हम बनाए रखें, और उसके लिए हमको कठिन परिश्रम करना होगा। जिन जिन विभागों में, जिन जिन सेक्टरों में हमने अच्छा काम किया है वहां पर हमको स्थिरता के साथ और आगे बढ़ना होगा, और जहां हमारा प्रदर्शन, हमारे परिणाम उतने अच्छे नहीं आए हैं वहां हमको अच्छे परिणाम लाने होंगे। इसलिए हम सबको एकमय होकर काम करना होगा। आज मैं ईज ऑफ डूइंग की बात करूं, उसमें भी हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टार्टअप के क्षेत्र में जहां हम अचीवर्स की श्रेणी में होते थे, आज हम वहीं पर
लीडर्स की श्रेणी में आ गए। अच्छा निवेश जहां हो रहा है उन राज्यों की भी प्रथम श्रेणी के राज्यों में हमारे राज्य का स्थान आया है। बेरोजगारी कम होने वाले राज्यों में भी 4.4% की हमारी जो बेरोजगारी दर है वो घटी है। इसके साथ साथ जीएसडीपी में 1.3% गुना की जो है हमारी वृद्धि हुई है, यानी कि 33% हमारी जीएसडीपी बढ़ी है। आज हम हर क्षेत्र में, आप कहीं भी जाते होंगे, मैं भी देश दुनिया में अनेक स्थानों पर गया हूं, आज हमारे उत्तराखंड के जो यहाँ के प्रवासी हैं उन सभी प्रवासियों को भी गर्व होता है कि हिमालय का हमारा राज्य, हमारा पैतृक राज्य, हमारे पूर्वजों का राज्य, वो राज्य तेजी से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो रहा है। उस लाइन में, उस कतार में हमारे राज्य का नाम आ रहा है। वह भी गौरवान्वित होते हैं कि हमारे उत्तराखंड के लोग प्रयास कर रहे हैं, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है कि आप इसी प्रकार निरंतर प्रयास करते हुए निगम की, राज्य की जो बढ़ोतरी है, उसका मुनाफा है, राज्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा 13 से अधिक नए बस स्टैंडों और कार्यशालाओं का निर्माण भी कराया गया है। इसके साथ ही 14 स्थानों पर स्टैंडों और कार्यशालाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 4 स्थान पर ISBT में ही बन रहे हैं। इतना ही नहीं, हम जल्द ही अपने बस बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों का भी समावेश करेंगे। हमारी सरकार अपने कर्मचारी साथियों, चालकों, परिचालकों की समस्याओं से भी भली भांति परिचित है। अभी मुझे जहां हमारे परिवहन निगम से जुड़े हुए सभी हमारे जो यूनियन है, उन सभी यूनियन के लोगों ने मेरा स्वागत भी किया, साथ में मुझे अपने पत्र भी दिए हैं। निश्चित रूप से हम उनके पत्रों का भी आकलन करेंगे। साथ ही हमने DA में चाहे बढ़ोतरी करनी हो, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना हो, या निगम में भर्तियों के माध्यम से मैन पावर की समस्या का समाधान करना हो, हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ उनके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। हाल ही में हमने इस दीपावली के अवसर पर अपनी सेवाएं देने वाले चालकों, परिचालकों और तकनीकी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने का भी फैसला किया है। मैं आपके इस अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास करेगी, और जहां हम सफल हो रहे हैं, आज 130 बसें हम अपने बेड़े में जोड़ रहे हैं, वहीं हमको बसों में या हमारे जितने भी बस स्टैंड हैं, रोडवेज के बस अड्डे हैं, नए ISBT हैं, उन सभी में, जैसा चमोली जी ने कुछ आपके समक्ष बातें रखी हैं, उन बातों को हमको जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि जितनी अच्छी हम सेवा देंगे उतना ही लोगों के बीच में हमारे प्रति लोगों का एक अच्छा भाव बनेगा। और ये जिम्मेदारी हम सबकी है, विशेषकर हमारे विभाग की है, और हम, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर इसको पूरा करेंगे। अंत में मैं आज 130 बसों को राज्य को समर्पित करते हुए आप सभी से अनुरोध करता हूं कि